नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आसमान से फिर बरसी आफत, किसानों की बड़ी चिंता। आगरा के कस्बा बाह में सुबह हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ज्ञात हो कि पहले भी बारिश और ओलों की वजह से किसानों के आलू और सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी है, और अब फिर से बारिश होने से गेहूं, सरसों, जौ की कटने को तैयार खड़ी फसल में भारी नुकसान होने की संभावना है। जरार के किसान रामगोपाल बात करने पर बताया कि इस समय बारिश होने से एक ओर तो कटी पड़ी सरसों और जौ की फसल के सड़ने और दीमक लगने की संभावना है, वहीं दूसरी ओर सरसों के फलियों में फूटकर दाने बिखरने की समस्या है। किसानों ने बताया कि इस बार फसल में हो रहे भारी नुकसान से फसल में लगाई गई लागत भी डूबने की आशंका। देश इस समय जहां कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश का अन्नदाता किसान कोरोना वायरस के साथ साथ अपनी फसलों में हो रहे भारी नुकसान से चिंतित। बारिश की परवाह किए बिना जरूरत का सामान खरीदने बाजार पहुंचे लोग। देखते हैं संवाददाता सुशील चंद के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप की रिपोर्ट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ये जो सुबह बारिश हुई है, उससे खेती में कोई नुकसान वगैरह होने की संभावना है? नुकसान तो अब जानते आगे नुकसान ही नुकसान हुए। अच्छा, क्या किस किस फसल में नुकसान होगा? गेहूँ में नुकसान, लहान में नुकसान और कई बेजर में नुकसान। अच्छा, आलू वगैरह भी किया था आपने? मन ना करो। अच्छा, आलू में नुकसान हुए। अच्छा अच्छा, जी जो लाहा है, इस पर जो बारिश से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी पड़ेगा, ये फरी चटक रही आते। अच्छा, और जैसे बीमा लगेगी। अच्छा, तो जो नुकसान है फसल में, उसके लिए आप सरकार से कोई मांग करते हो? मांग मिल जाए तो हम तो मुक्ति कर लें, पर मिले तो। आप अपनी बात को रखें, जैसे मुआवजा है, क्या उसको सरकार किसानों को मिलना चाहिए? अजय तो मालिक जाने का करेंगे, तो चाह रहे हैं लेकिन सरकार दे तो। क्या चाह रहे हो सरकार से आप? हम जी कछू जी चाह रहे हैं कि कछू से बटी हमें मिले। आज जैसे खेती में नुकसान हो रहा है, बाय हमें मिलना चाहिए। खेती में खाद बीज डालो, फालतू चलोगो, वो भी लागत नहीं निकली आपकी। हाँ, यार
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।